प्रदेश के अमरोहा में एक कार चालक ने महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी की सरकारी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी बाल बाल बची। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात इलाके के जोया मार्ग पर कलेक्ट्रेट की गाड़ी को स्कॉर्पियो कार के चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से सरकारी गाड़ी पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में बैठी महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर हादसे में बाल बाल बच गई। मामले की जानकारी मिलते ही थाना अमरोहा देहात पुलिस पहुंची और उन्होंने आरोपी स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में ले लिया। उसके साथ एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से दो शराब की बोतल मिली है, जिनको हिरासत में लेकर थाना देहात पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि उनके धक्का लगने से सीने में दर्द है, बाकी सब सुरक्षित हैं। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे तो कोई इरादा था, हत्या से मारता है किसी को, फॉर्च्यूनर लेना पीछे से मारी जी जी। और हम अभी तो निकले हैं इधर से 2 मिनट पहले। मैडम ये दोनों लोग तो पंजाब के हैं, पंजाब से आए हुए हैं यहाँ पर और चुनाव के लिए कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ाने आए हैं जावेद अब्दी को, तो ये तो दोनों शराब के नशे में हैं जी। ये तो चेक कर लिया गया कि शराब के नशे में, अभी हमने आईडी नहीं देखी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसी तरीके से विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप ठीक हैं, सुरक्षित हैं, चोट तो नहीं आई? मुझे थोड़ा सा धक्का लगा है तो सीने में तो दर्द है, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।